सदर आरिफ अलवी पीर को इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर मुमलिकत आइनी तौर पर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। मरियम नवाज पर भी तनकीद की, बोले मरियम कहती है कि हमारी हुकूमत नहीं है तो फिर जुर्रत करके बताए ये किसकी हुकूमत है। पिछले दिनों मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे माफ करता हूँ। मरकज और सूबों के इलेक्शन एक साथ होंगे, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। नंबर एक, सदर अलवी को कहता हूँ कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आइनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया है, 3 साल मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब, इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। इज्जत का मौका जो होता है वो बहुत बड़ा मौका होता है। सबसे पहले खबर, 3 खबरें हैं मेरे पास। पहली ये, मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है।